आज मैं आप सभी लोगों के लिए मटर पनीर का निमोना बनाने जा रही हूँ, जो खाने में टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली है कटी हुई हरी धनिया और हरी मटर, जिसे मैंने हल्का सा उबाल लिया है। अब मैंने हल्का दरदरा इसे मिक्सी में पीस लिया है और अब मैंने लिए हैं लहसुन और कटे हुए प्याज और कुछ टुकड़े मैंने लिए हैं अदरक के। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और इसे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। तो मैंने इसे पीस लिया है। अब मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और फ्राई की हुई पनीर। अब पैन में लिया है सरसों का तेल। तो मीडियम फ्लेम पर तेल गरम हो गया है और मैंने डाली है कुछ खड़ी लाल मिर्च और तड़के के लिए हींग। अब तड़के का कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन और प्याज का पेस्ट, जिसे मैंने अभी पीस कर रखा है। अब इसी तरह से चलाते हुए लगभग 3-4 मिनट के लिए मैं पेस्ट को भूनूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम किया है। और डालूंगी थोड़ा सा नमक पेस्ट के हिसाब से। और अब मैंने डाला है हरी धनिया और हरी मटर, जिसे मैंने अभी पीस कर रखा है। इसको मैं पेस्ट में मिक्स करते हुए लगभग 5 मिनट के लिए भूनूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि पिसी हुई मटर और लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें मिक्स होकर अच्छी तरह से भुन गया है। और मैंने डाले हैं सभी मसाले, जिन्हें मैंने अभी निकाल कर रखा है, और थोड़ा सा डाला है खोया। अब खोए को इसमें मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भुनूंगी। अब खोया भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स होकर भुन गया है। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है और मैंने डाली है पनीर और कुछ हरी मटर, जिसे मैंने अभी उबाल कर रखा था। पनीर को मैंने बहुत ज्यादा देर तक फ्राई नहीं किया है। अब इसे इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी मैंने पेस्ट वाली कटोरी से ही डाला है। और इसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और ग्रेवी के हिसाब से डाला है सादा नमक। और मैंने डाले हैं बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर, इनको भी मैं इसी के साथ में मिक्स करूंगी। टमाटर आप बड़े टुकड़ों में ही काट कर डालिए, इससे खाने के टाइम पर इनका टेस्ट अच्छा आता है। और इसे मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर लगभग 8 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है और टमाटर भी लगभग इसमें पक गए हैं। और इसे चलाने के बाद
मैं कुछ देर के लिए इसे स्लो फ्लेम पर ढककर रख दूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि मटर पनीर का निमोना बनकर तैयार है। और फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसे नीचे उतार लूंगी। आप भी इस निमोने को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। ये निमोना बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बन जाता है। अब कुछ देर ठंडा होने के बाद मैं इसे इस बाउल में निकाल लूंगी और हरी मटर को आप उबाल लेने के बाद पीस कर इसमें फ्राई करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में भुन जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। आप इसे रोटी, चावल या अपनी मनपसंद पूड़ियों के साथ में खा सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।